नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जायफल के बारे में, देंगे आज आपको जायफल की संपूर्ण जानकारी कि क्या इसकी पहचान होती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है, क्या इसके गुण होते हैं और क्या इसके अवगुण होते हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम आपको जायफल के ऐसे 19 प्रयोग बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर पर ही स्वयं तैयार करके 19 तरह के रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों जायफल का वृक्ष जावा, मलेशिया, सुमात्रा, सिंगापुर आदि द्वीपों में जंगली पौधे के रूप में और श्रीलंका व दक्षिण भारत में अल्प मात्रा में पैदा होता है। इसका वृक्ष सदाबहार, सुहावना, सुगंधित 30 से 80 फुट तक ऊंचा होता है। शाखाएं कोमल और नीचे की ओर झुकी रहती है। पत्ते सुगंधित 3 से 4 इंच लंबे, 1.5 इंच चौड़े, जामुन के पत्तों के समान होते हैं। फूल छत्राकार मंजरियों में छोटे, सुगंधित और पीले रंग के होते हैं। फल लंबा, गोल, अंडाकार, 1.5 से 3 इंच लंबा एवं अमरूद से मिलता जुलता होता है। फल पककर अपने आप फट जाता है। फल का छिलका जावित्री के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बाजार में जायफल बीजावरण के साथ और बिना बीजावरण के दोनों अवस्थाओं में ही मिलता है। बीज को जायफल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न भाषा में नाम के बारे में कि जायफल को किन किन भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों संस्कृत में इसको जाति फल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में जायफल के नाम से जाना जाता है, मराठी में जाति फल के नाम से ही दोस्तों इसको जाना जाता है, गुजराती में जायफल के नाम से जाना जाता है, बंगाली में भी दोस्तों इसको जाति फल के नाम से ही जाना जाता है और अंग्रेजी में दोस्तों इसको नटमेग के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण मौजूद होते हैं जायफल में। तो दोस्तों आयुर्वेदिक मतानुसार जायफल रस में कड़वा, तीक्त, कसाय, गुण में तीक्त, हल्का, रुचिकर, चटपटा, ग्राही, अग्निदीपक, गर्म प्रकृति का, वात और कफ नाशक, सोधर, वेदना नाशक, पाचक, मुख का फीकापन दूर करने वाला, मल की दुर्गंध और कालिमा दूर करने वाला होता है। यह अनिद्रा, खांसी, दमा, कृमि, वमन, हिचकी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, जोड़ों का दर्द, उदर सूल, सिर दर्द, कमर दर्द, सर्दी, जुकाम, मंदाग्नि, मुंह के छाले, त्वचा रोगों में भी काफी गुणकारी होता है। जायफल का तेल अग्नि प्रदीपक, उत्तेजक, बलदायक होता है, जो अजीर्ण, पेचिस, जीर्ण, अतिसार, आक्षेप, दंतशूल, आमवत, दांतों से मवाद आना, व्रण आदि रोगों को बखूबी दूर करता है। जावित्री के गुण जायफल से काफी मिलते जुलते हैं दोस्तों, लेकिन यह जायफल की अपेक्षा ग्राही कम होती है और इसमें विष को नष्ट करने वाला गुण अधिक होता है। इसके अलावा यह पाचक, पौष्टिक, स्तनवर्धक, हेजा, यकृत, पलिया के विकारों, पक्षाघात, नेत्र के रोगों और सिरदर्द में काफी गुणकारी होती है। यूनानी चिकित्सा मतानुसार जायफल दूसरे दर्जे का गर्म और तीसरे दर्जे का खुशक होता है। सर्द मिजाज वालों के लिए यह काफी गुणकारी होता है। काम शक्ति और स्तंभन बढ़ाना इसका विशेष गुण दोस्तों होता है। आंखों के रोग दूर करने वाला और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में यह समक्ष होता है। यकृत और अमावस्या के अनेक रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है। गठिया, तिल्ली और यकृत की सूजन, बिस्तर में मूत्र आना, गैस की तकलीफ, लकवा, अतिसार और मुख की दुर्गंध दूर करने में भी यह काफी गुणकारी दोस्तों होता है। वैज्ञानिक मतानुसार दोस्तों इसकी बात करें तो जायफल के रासायनिक तत्वों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें 6 से 16% उड़नशील तेल होता है, जो पीले रंग का होता है। यह तेल अल्प मात्रा में इसकी छाल और पत्तों में भी दोस्तों मिलता है। स्थिर तेल 38 से 43% की मात्रा में भी होता है, जिसमें ग्लिसराइड, राल व सुगंधित तेल अल्प मात्रा में मिलता है। स्थिर तेल की साबुन जैसी बट्टिया बेची जाती है। इसके अलावा प्रोटीन 7.5%, स्टार्च 15% से 25% तथा खनिज द्रव 2% भी इसमें पाए जाते हैं, जबकि जावित्री में 4 से 14% उड़नशील तेल, 26% स्थिर तेल, 26% पेक्टिन और रालीय रंजक द्रव पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जायफल के हानिकारक प्रभाव के केस में क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों आवश्यकता से अधिक मात्रा में बार बार जायफल के उपयोग करने से मादक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा पल्लाप, चक्कर आना, मूर्ता उत्पन्न होना, वीर्य का पतला होकर नपुंसकता आना, यकृत और फेफड़ों पर दुष्प्रभाव होना, सिरदर्द और मूर्छा तक उत्पन्न हो सकती है। गर्म प्रकृति के लोगों को इसका सेवन दोस्तों नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न रोगों में प्रयोग के बारे में कि जायफल का विभिन्न रोगों में हमको कैसे उपयोग करना है। तो दोस्तों हिचकी में कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, तुलसी के रस में जायफल घिसकर 1 चम्मच की मात्रा में 3 बार सेवन करने से हिचकी में दोस्तों बहुत लाभ होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सिर दर्द में कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, कच्चे दूध में जायफल घिसकर कपाल पर लगाएं दोस्तों, इससे दोस्तों काफी लाभ सिर दर्द में होता है। मुंह के छालों में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का,
जायफल के काढ़े से 3-4 बार गरारे करने से मुंह के छाले जल्दी दूर दोस्तों हो जाते हैं। बच्चों के दस्त में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, जायफल को पानी में घिसकर आधा आधा चम्मच 2-3 बार पिलाएं, बच्चों के दस्त में बहुत आराम होता है। अनिंद्रा में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, गाय के घी में जायफल घिसकर तलवों और पलकों पर लगाएं, इससे दोस्तों नींद आ जाती है और अनिंद्रा की शिकायत दूर हो जाती है। सर्दी जुकाम में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, तो दोस्तों जायफल को पानी में घिसकर बने लेप को नाक पर मलने और नथुनों में लगाने या छाती पर मलने से सीक आराम मिलता है सर्दी जुकाम में। साथ ही जायफल का चूर्ण सोट के साथ बराबर की मात्रा में मिलाकर 1/4 चम्मच में 2 बार खिलाने से भी दोस्तों सर्दी जुकाम में काफी लाभ होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मुहासों पर कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, तो दोस्तों कच्चे दूध में जायफल को घिसकर रोजाना सुबह और रात्रि में पूरे चेहरे पर लगाएं, मुहासे के अलावा चेहरे के काले धब्बे भी दूर होंगे और चेहरा निखर जाता है। गैस कब्ज की तकलीफ में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, तो दोस्तों नींबू के रस में जायफल घिसकर 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से गैस कब्ज की तकलीफ दूर हो जाती है। त्वचा की शून्यता में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, तो दोस्तों 1 चम्मच नारियल के तेल में 2-3 बूंद जायफल का तेल मिलाकर शून्यता वाले अंग पर मालिश करने से त्वचा की रंगत वापस लौट आती है। मुंह की दुर्गंध और फीकापन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, तो दोस्तों जायफल के छोटे छोटे टुकड़ों को दिन में 2-3 बार चूसते रहने से मुंह की दुर्गंध और फीकापन दूर हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पेट दर्द में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, जायफल का 1/4 चम्मच चूर्ण गर्म पानी से सेवन करने से पेट दर्द में काफी आराम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं दांत दर्द में कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, रूई से जायफल का तेल दांत की जड़ में लगाने और खोखले भाग में फोहा भरकर दबाए रखने से दोस्तों दांत दर्द में काफी लाभ होता है। कमर दर्द में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, पान में जायफल का टुकड़ा डालकर खाने और जायफल को पानी में घिसकर लेप को गरम गरम ही कमर में लगाकर 3 बार मालिश करने से इसे कमर दर्द में काफी लाभ होता है। शिशु को दूध न पचने में दोस्तों शिकायत में कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, माँ का दूध छुड़ाकर उपली दूध पिलाने पर यदि शिशु को न पच रहा हो तो दूध में 1 जायफल डालकर खूब उबाले फिर ठंडा करके पिलाए, इससे दूध आसानी से हजम होगा और मल बंधा दुर्गंध रहित होता है शिशु का। भूखने लगने की शिकायत में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, शहद के साथ 1 ग्राम जायफल का चूर्ण सुबह शाम खिलाने से दोस्तों भूख लगना शुरू हो जाता है और भूख ना लगने की शिकायत समाप्त हो जाती है। बड़ों के दस्त में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, जायफल और सोट संभाग में पीसकर 1-1 चम्मच 2 बार लें, इससे दोस्तों बड़ों के दस्त में बहुत आराम होता है। जोड़ों के दर्द में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, 1 भाग जायफल का तेल और 4 भाग सरसों का तेल मिलाकर जोड़ों के दर्द सूजन मोच पर 2-3 बार मालिश करने से दोस्तों जोड़ों के दर्द में काफी लाभ होता है। नपुंसकता और शीघ्र पतन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है जायफल का, जायफल का चूर्ण 1/4 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें और इसका तेल सरसों के तेल में मिलाकर शीशन पर मलने से नपुंसकता और शीघ्र पतन में काफी लाभ होता है। दुर्बलता दूर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों जायफल का, जायफल और जावित्री 10-10 ग्राम और अश्वगंधा 50 ग्राम मिलाकर पीस ले, 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ नियमित रूप से सेवन करने से दुर्बलता दूर होकर शरीर पुष्ट होता है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको जायफल की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।